भजो भजो ताई तन ने ताई सुदृढ़ विश्वास भजो भजो सिर से बाचिया मुखे गुरु
कृष्णा कृष्णा Hare Krishna, Hare
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
संकीर्तन की शिर प्रपाद की ओम अज्ञान तिविरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोहिष्टं स्थापितं येन भूतले अयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्रीतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीकृपं सागरजातां सहगण रघुनाथामितं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललितां विशाखामितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमामि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गलङ्गयते गिरिं तत्पादमहं वन्दे श्रीगुरु दीनदयालं हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद्गीता कक्षा में। इसके पहले कि हम भगवद्गीता का चर्चा आरंभ करें तो हमने भजन गाया इसका आरंभ देखेंगे। किसके पास हिंदी वाला है अर्थ हिंदी वाला सॉन्ग बुक था ना दे दो हिंदी सॉन्ग बुक जिसमें वो ट्रांसलेशन था। ठीक है मैं यहीं से ट्रांसलेट करता हूँ। परम करुणा पहु दुई जाना निताय गौर चंद्र। जो दो भगवान है निताय और गौर चंद्र कौन है ये निताय कौन है कृष्ण बलराम बहुत दयालु हैं ऐसे बोल रहे। परम करुणा बहु दुई जाना निताय गौर चंद्र कि गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि हैं एवं आनंद के भंडार हैं। भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कर विषय छाड़िया सिर समाजिया मुखे बोलो हरि हरि। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूब कर मुख से हरी हरी बोलते रहो। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मन दुजार दाता पशुपाखी झूरे पाषाण विदूरे सुनि गन गन गाए। देखो भाई इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षी भी हृदय भी द्रवित हो जाते हैं तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाते हैं। संसार माझिया रुहली पड़िया सिपदे नहीं रुआ अपन करम भुंजय समान कहोय लोचन दास। मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचन दास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण कि मैं यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। बहुत सुंदर भजन है जो लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है। अभी कल परसों ही उनका तिरुभाव दिन था इसलिए हमने बोला कि इसके बारे में चर्चा की जाए। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता के 12वें अध्याय पे हैं। 12वें अध्याय का पहला श्लोक हो गया था तो पहले 10 श्लोक पढ़ते हैं हम लोग इसके बाद चर्चा को आरंभ करेंगे। 12वां अध्याय पहला श्लोक सबके बाद भगवद गीता है अर्जुन वाच
एवं सतत युक्ता ये पक्का स्वाम परुपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो इमाम् इत्युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोपेत ते मे युक्ततमा मता ये त्व अक्षरम अनिर्देशम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुतस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियामेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हृतेरता क्लेशो हि अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर दुःखम् देहावद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनेनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं सप्तमुद्धार्त मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम् मय्येव मनपदादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवैशस्ति मय एव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि च कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो जो 12वां अध्याय है ये भक्ति के बारे में है। जैसे हमने चर्चा की थी कि सातवें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आखिरी अध्याय जिसमें भक्ति के बारे में चर्चा करने वाले कृष्ण भगवान। तो पिछले 11वें अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति योग के बारे में बताया कि भक्ति योग कैसे श्रेष्ठ है और बाकी कोई भी जो उपाय है जो भी जैसे ज्ञान योग है या और कोई भी योग है उससे भी सबसे ज्यादा है। और जो भक्त होते हैं वो भगवान के दो हाथों वाला जो रूप है जिसको हम श्याम सुंदर रूप बोलते हैं उससे आकृष्ट होते हैं, है ना। और ये पहले अध्याय में भी चर्चा किया था हमने, जैसे योगिनाम अभी सर्वेशा मदगदिनांतरात्मना श्रद्धावान भजती यो माम तभी युक्त दम। ये हमने चर्चा किया था छठे अध्याय के 27 श्लोक में या सातवें अध्याय के पहले श्लोक में भी चर्चा किया था मैया शक्ति मन पार्था। तो विष्णु भगवान बोल रहे छठे अध्याय में कि सारे जो योग की पद्धतियां हैं उसमें से कौन सी पद्धति सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति योग। और इसके लिए तुम मुझको मन में बसा लो या मेरे में वरचित लगा लो। वैसे ही बोल रहे हैं मय्यासक्त मुझ में आसक्त हो जा, मय्यासक्त मनः पार्था योगम पुंजम आश्रय। और फिर आठवें अध्याय में भी बोलते हैं कृष्ण भगवान अंतकाले च मामेव स्मर मुक्त्वा कलेवर, कि अंतकाल में जब मुझे तुम याद करोगे तो किसको पाओगे, मुझको ही पाओगे, अध्यात्म जगत में आ जाओगे। और फिर नवे अध्याय भी बोलते हैं मन मना भूमत भक्तो मध्याजि माम नमस्कुरु मय्यायशिष्यत्यन्ते प्रतिजनि प्रियोसि मे, कि मुझमें जो मन लगाता है
मंदना भवमत भक्तो, और मेरी भक्ति करता है वो मुझको मेरे पास आता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान जो है कोई अव्यक्त रूप नहीं है, इंपर्सनल रूप नहीं है, उनका खुद का रूप है ऐसे। तो अर्जुन पूछ रहे हैं अभी यहाँ पे कि भाई मुझे करना क्या है, कौन सा वाला भक्ति अच्छा है कि सब कुछ त्याग करके ज्ञान मार्ग में चले जाए, जहाँ पे सिर्फ चर्चा करते रहे कि कौन है कौन है कौन है कौन नहीं है, या भक्ति करो, दोनों में से एक कोई मुझे बताओ ऐसे। तो हमने यह चर्चा किया था कि कृष्ण जो लोग होते हैं वो भोग और त्याग के बीच में टॉगल करते रहते, टॉगल मतलब डोलते रहते, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग, है ना। और दोनों से उब जाते हैं, कभी भोग से उब जाते तो त्याग करते हैं, कभी त्याग से उब जाते तो भोग करते हैं, है ना ऐसे। तो परम सुख उनको कभी नहीं मिलता है। तो जैसे हमने चर्चा की, लोग बोलते हैं कि ये भक्ति बहुत साधारण है, कि क्या हरे कृष्ण बोलने से कि मोक्ष मिल जाएगा, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, ऐसे कैसे, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया था कि जैसे ABC का उदाहरण लिया था, और एक अपनी माँ अपनी बेटे को मैथ्स सीखने भेजती है, तो 2-3 महीने के बाद भी वो जो टीचर है उसको मैथ्स सिखा ABC सिखा रहा है। टीचर बोलती है क्या है, मैंने उसको मैथ सिखाने बोला था, 2-3 महीने हो गए तुम यही सिखा रहे हो, ABC सिखा रहे हो। तो वैसे ही जो कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो पूछते हैं कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से सब कुछ हो जाएगा, मुश्किल है, ऐसे कैसे होगा, ऐसा लगता है क्योंकि उनका दिमाग कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे बोलते हैं कि भक्ति जो सिंपल होता है व्यक्ति उसके लिए सिंपल होती है, जिसका दिमाग कॉम्प्लिकेटेड है वो कॉम्प्लिकेट करते हैं सब कुछ, है ना। हमने चर्चा किया था, फिर हमने ये चर्चा किया था कि जो अध्यात्म की जो जो प्रोसेस है उसमें लोग कैसे आते हैं। जैसे हमने बोला कि रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में लोग रहते हैं, तो पहले तमोगुण से रजोगुण में पहुंचते हैं और फिर तमोगुण से सत्वगुण में पहुंचते हैं। तो सत्वगुण में पहुंचने के बाद उनको जो नेचर है नैसर्ग अच्छा लगता है ना। तो जैसे मैं चर्चा कर रहा था पिछली बार की, जब हम सिटी लाइफ से ऊब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, गांव जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन, कहीं रिजॉर्ट में, और नेचर देख के हमें अच्छा लगता है, शांत लगता है ना। पर वो शांतता कितने दिन के लिए अच्छी लगती है, 1-4 दिन के लिए, उसके बाद तक यहाँ पे रेंज नहीं है, फोन पे बात नहीं कर सकते, इंटरनेट पे जा नहीं सकते, श्रवण यूट्यूब पे जा नहीं पाएगा, क्रिकेट मैच देख नहीं पाएगा, तो वैसे वो भी उब जाते हैं, तो वापस हम सिटी लाइफ में आते हैं, है ना। पर जो तमोगुण से सत्वगुण तक पहुंचा व्यक्ति है वो क्या करता है, फिर नेचर में कुछ ढूंढने का प्रयत्न करता है, जानवरों को जानवर का दिखता है, फिर या कोई बायोलॉजिस्ट होता है तो वो जाके अलग अलग स्टडी करता है, तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, वो प्रगति करता है। पर अगर सत्वगुण में रहकर भगवान की भक्ति ना करे तो कोई फायदा ही नहीं, श्रम ये भी केवल, सब कुछ कर लिया भक्ति नहीं किया क्या फायदा। धर्म सुनिश्चित पुंसा विश्वक्षेण कथाशु नो उत्पादे यदि रतिम श्रमे वही केवलम, सब कुछ कर लिया, कर्म कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब फैमिली वाले भी खुश हो गए, पूरा इंडिया खुश हो गया, बट भक्ति नहीं मिली क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं, श्रमे वही केवलम ऐसे। चर्चा क्या था उसमें मैं चर्चा कर रहा था पिछली बार की, कभी कभी लोग फिर जब सत्वगुण से ऊपर उठ जाते हैं तो वो जो भगवान का अव्यक्त रूप है, कौन सा अव्यक्त रूप है भगवान का, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं विज्ञानं वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे। तो इसमें तीन कौन से भगवान के रूप बताए गए हैं, ब्रह्मेति मतलब कौन सा, ब्रह्मन, ब्रह्मन क्या है, भगवान के शरीर से आने वाला तेज है, लाइट है ना। अगर फिर आप हम खुद को भगवान मानते, पहले देखना चाहिए हमारे शरीर से लाइट आ रहा है उसके लिए अंधेरे रूम में जाके देखना पड़ेगा कि लाइट यहाँ पे आ रहा है, अंधेरे रूम में कुछ नहीं और अंधेरा हो जाएगा, हम जाएंगे। तो ये एक ब्रह्मन जो है वो भी भगवान का स्वरूप है, भगवान के शरीर से लाइट आ रहा है। तो कौन से लोग ब्रह्मन ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान कैटेगरी वाले, जो उनको ज्ञान चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए, उनको भक्ति नहीं करना है ना, वो लोग जाते हैं वहां पे, या मायावादी लोग जाते हैं,
मायावादी क्या बोलते हैं? अच्छा मैंने बताया था मायावादी और ब्रह्मवादी में फर्क देखते हैं, कौन ध्यान से सुनता था। मायावादी और ब्रह्मवादी में क्या फर्क है? ब्रह्मवादी किसको ट्राई करते हैं, मतलब पहुंचने का? तो जो मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि देखो जो भगवान आते हैं कृष्ण भगवान राम भगवान वो ब्रह्म ज्योति से आते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो उसमें विलीन हो जाते हैं और हम भी जब मोक्ष को पाएंगे तो कहां जाएंगे? ब्रह्मन में विलीन हो जाएंगे। इसका मतलब कि हम और भगवान स्विमिंग अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, है ना? तो ये गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भगवान है उनका हाथ पैर नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, है ना? तो गलत है। तो ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं? ब्रह्मवादी बोलते हैं कि देखो भगवान तीन अलग अलग लेवल में, ब्रह्मेति परमात्मे इति भगवान इति शब्द थे, ब्रह्म ज्योति परमात्मा और स्वयं भगवान दो हाथों वाले कृष्ण भगवान, पर हमें उतना दूर नहीं जाना है, हमें सिर्फ ब्रह्मन में जाके विजय होना, बस भाई शांति शांति चाहिए, सुख नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, शांति शांति। इसलिए योग में भी एक श्लोक आता है सर्वे सुख न भवंतु, और एक श्लोक आता है, और एक श्लोक आता है जो मुझे याद, सर्वे सुख न भवंतु तो क्या, सब शांति, कोई हंगामा नहीं। तो ब्रह्मन में यही मिलेगा, शांति मिलेगा, पर कुछ देर के बाद शांति भी काटने को दौड़ती, कौन है शांति मतलब शांतता, वो भी काटने को दौड़ती, तो वहां पे बोर हो जाते व्यक्ति, फिर वापस आ जाते व्यक्ति नीचे आके, फिर क्या करता है, सोशल एक्टिविटी करना होता है ना, तो ये गड़बड़ है ऐसे। तो अभी हम देखेंगे कि दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैयावेश मन पार्थ मनोमिया, सॉरी मैयावेश मनो ये माम, जो मेरे जो जो रूप है मेरा उसमें अपना मन लगाते हैं, कौन है ये, कौन लगाते हैं मन भगवान के रूप में? भक्त लोग, है ना? वो नित्य युक्ता उपासते, जो मुझे रोज मेरी आराधना करते हैं, है ना, रोज आरती करते हैं, श्रद्धया परोपासते, श्रद्धया परोपितास, तो उनमें बहुत दृढ़ श्रद्धा है और ते में युक्त तो मतो, वो उनको मैं परफेक्ट मानता हूं, ऐसे बोल रहा हूं। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन दिए? पहला क्या कि जो मुझ में मेरे स्वरूप में मन लगाते हैं, दूसरा वो हमेशा मुझे श्रद्धा पूर्वक आरती करते हैं, है ना, और उनमें बहुत श्रद्धा है, निष्ठा है, वही मेरे लिए परफेक्ट है, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान आंसर दे रहे हैं कि ज्यादा इधर उधर नहीं भाग रहे, भगवान बोल रहे हैं कि देखो मेरे जो स्वरूप को जो पूजन करता है ना वही व्यक्ति परफेक्ट है, जो ब्रह्मन करते रहता है वो परफेक्ट नहीं है, ऐसे ऐसे स्कूल में कभी कभी होता था, कुछ कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में बच्चा था, मतलब मेरा फ्रेंड था वो, तो अगर 100% अगर पढ़ाई हो तो वो सिर्फ 60% ही पढ़ाई करता था, तो उसको तो पूछता था क्यों भाई 100% क्यों नहीं करता, बोला बोला बाकी का सब मेरे दिमाग के बाहर जाता है, 60% करूंगा तो कुछ दिमाग में रहता है, उसके ऊपर जाऊंगा तो दिमाग से निकल जाता, तो उसे अच्छा यही करो। तो ये ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं, हमें पता है भगवान है, हमें पता है परमात्मा है, पर हमें उधर नहीं जाना, बहुत कठिन है, ऐसे बोलते हमें सिर्फ ब्रह्म में जाके विलीन होना है, ब्रह्मन में जाके विलीन होना है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पे सातवें अध्याय के श्लोक में भी ऐसे एक श्लोक आता है मय्यासक्त मनः पार्थ योगम इंजन मदाश्रय, अभी बोला है कि मुझ में तुम आसक्त बनो कृष्ण, ऐसे बोलो मय्यासक्त मतलब मुझ में आसक्त बनो, है ना? अभी आप एक मुझे बात बताइए, जैसे बच्चे होते हैं, अब बच्चों को इंडिपेंडेंट रहना है कि डिपेंडेंट रहना है? इंडिपेंडेंट होना, अगर श्रवण को ऑप्शन दिया जाए कि तुम माता पिता को छोड़ के कहीं और रहो और तुमको पैसा दिया जाएगा, तुम आराम से घर दिया जाएगा, क्या चूज करेगा श्रवण? यस श्रवण, ये क्या है, बीच में रहेगा वो, थोड़े दिन उधर थोड़े दिन इधर। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोलेंगे, हमको अलग रहना। अभी जैसे हमारे अभी सुकृत भी गया है, पर उसका उधार नहीं दे रहा हूँ, प्रभु जी बोलेंगे प्रभु सुकृत का ही उधार ले आते हैं। एक्चुअली हमारे जो इस्कॉन के स्कूल में जो बच्चे थे, लगभग जो 8 बच्चे थे, मेरी बेटी भी उसमें थी, तो उन्होंने 12वीं क्रॉस की, मतलब 12वीं पास हो गए, तो अभी उनको इंजीनियरिंग चाहिए था,
लगभग सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें पूना के बाहर चाहिए, हमें पूना में नहीं चाहिए। क्यों? पूना सिटी में क्या गड़बड़ है? उनको माता पिता का वो डिपेंडेंस नहीं चाहिए, 7 बजे के अंदर घर आना है, कितना यूट्यूब देख रहा है, कितना वो नहीं चाहिए, है ना। अब ये सब बताने के बाद श्रवण बोलेगा नहीं प्रभु जी मुझे बाहर जाना है। तो सबको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस, किसी का रोक टोक नहीं चाहिए, है ना। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि देखो आधा घंटा ही मोबाइल देखना है, 1 घंटा ही देखना है, तो भी हॉस्टल में जाएंगे बाहर रहेंगे तो उनको कौन रखने वाला, कोई नहीं रोकने वाला, है ना। तो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना। जैसे एक बाइबल में स्टोरी आती है कि एक अमीर व्यक्ति होता है और उसके 3-4 बच्चे होते हैं, तो उसमें जो सबसे छोटा वाला होता है वो 16-17 साल का हो जाता है। मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है, मुझे याद है कि आपको दिखाया। तो वो जो बच्चा है वो 16-17 साल का हो जाता है, बाप के पास तो बहुत पैसा है। तो जब वो बाहर जाता है मित्रों के साथ, वो मित्र बोलते हैं अरे तुम चलो इधर, हम अलग से रहते हैं। यूएस में बहुत कॉमन है 16-17 होने के बाद बच्चे बोलते हैं कि हम अलग से रहेंगे, और वो कॉमन है उधर, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं। एक बार क्या हुआ कि हमारे ब्रह्मचारी उनके बहन के का जो लड़का था, तो ये लोग बहुत साल से यूएस चले गए थे, पर ये टिपिकल महाराष्ट्रियन है, तो बच्चा बड़ा हो गया, जब था तब यहाँ पे था तब 10 साल का था, वहां पे जाके 17-18 साल का हो गया। वो बाहर देखता था कि सारे बच्चे बाहर ही रहते हैं, कोई घर पे नहीं रहता, मतलब माता पिता के नहीं रहता, वो अलग से रहते हैं, वो कमाते खुद पढ़ाई करते हैं और अलग रहते हैं। तो उसने बोलना चालू करते कि मुझे बाहर रहना है। मैंने बोला कि बाहर रहना मतलब क्या, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाहर रहना, है ना यार। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो घर पे ही रहता है, शादी के बाद डिपेंड करता है, सास भी कभी बहुत ही रिलेशनशिप क्या होता है। अगर सास और बहू में रिलेशनशिप अच्छा है तो घर में रहता है, नहीं तो फिर अलग रहते हैं, है ना। तो उनको पता ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या बाहर रहता मतलब क्या। बोले नहीं मुझे बाहर रहना, मुझे आप टोको मत। उन्होंने ये बोल नहीं माने, नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तो एक दिन जब माता पिता कहीं गाँव गए थे, तो उसने एक खत लिखा कि मैं जा रहा हूँ बाहर रहने के लिए, उसको ढूंढना मत, ढूंढोगे तो पुलिस में बता दूंगा, खत्म, गया बच्चा, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे सब जीव को इंडिपेंडेंट रख, किसी को रोकटोक नहीं चाहिए कि 7 बजे के अंदर आओ, ये मत करो वो मत करो। ऐसे लड़कियों को भी होता है ना, ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो, वो लोग सब देखते हैं यूट्यूब में तो उनको लगता है कि ऐसे कपड़े पहने, तो माँ बोलती है नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहने, वैसे नहीं पहने। तो उनको रोकटोक नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस, एंजॉय करना, है ना। तो जैसे प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही, पर ये गलत तरीका इंडिपेंडेंस, है ना। जब हम अध्यात्मिक जगत में थे तो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित थे, और आश्रित होने के कारण हम सुखी थे, है ना। अभी क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, अलग से रहना है ना। उसके कारण क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तो भौतिक जगत में सबको इंडिपेंडेंट होना है, पर अगर आप आध्यात्मिक प्रगति देखो, आध्यात्मिक जगत देखो, तो कृष्ण के ऊपर जितना जो ज्यादा आश्रित होगा वो उतना ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ पे उल्टा होता है ना, जैसे बच्चे अगर 18 साल के हो जाएंगे और अभी भी माँ उन्हीं के लिए खाना बनाती है, कपड़े भी उन्हीं के धोती है, यहाँ तक कि उनका बेड भी वही लगाती है, तो अगर ऐसे बच्चों के बारे में कोई बात बोले तो बहुत डिपेंडेंट है बच्चा, तो इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात नहीं है बोलते। कभी कभी क्या होता है, बड़े होने के बाद भी वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे बड़ा भाई कमाता है और छोटा भाई कुछ करता नहीं, आराम करता है, पेपर पढ़ता है, ये करता है वो करता है, तो क्या डिपेंडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरासाइट बोलते हैं, है ना। मतलब ऐसा व्यक्ति किसी को पसंद नहीं, सबको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट आध्यात्मिक में, भक्ति में जब हम करते हैं, तो जितना ज्यादा कृष्ण के ऊपर आश्रित हो कोई व्यक्ति, उतना ज्यादा वो एडवांस्ड है। तो उदाहरण देना चाहेगा, जैसे एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में सारे ब्रजवासी कहीं वृंदावन छोड़ के कहीं गए थे घूमने के लिए, तो बहुत देर हो गई, तो उन्होंने बोला आज रात ही ये पर रुक जाते हैं। तो रुक गए, तो एक नदी के किनारे सो गए सब लोग। तो रात के समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सांप आया, पाइथन, क्या बोलते उसको, अजगर, अजगर आया बहुत बड़ा, और उसने क्या किया, नंद महाराज को निगलना चालू कर दिया। अजगर क्या करता है, वो पहले टाइट करता है और उसके बाद निगलना चालू कर देता है। तो नंद महाराज की नींद खुल गई,
देखा तो एक अजगर बहुत बड़ा उनको मुंह में डाल के अंदर ये कर रहा है ना, तो डर गए बहुत, और बाकी सब सोए थे, तो उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया बचाओ 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 करके। तो वो सांप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो सारे ब्रजवासी उठ गए और उन्होंने क्या किया, लाठी वाठी ली और सांप को मारना चालू कर दिया। तो जितना मारते उतना वो ज्यादा निकल रहा था, वो हट ही नहीं रहा था, सब लोग डर गए। तो उन्होंने क्या किया होगा, कृष्णा कृष्णा महाबाहो ऐसे चिल्लाने लगे। जैसे चिल्लाने लगे कृष्ण भगवान आए, उन्होंने सिर्फ उसको ऐसे टच किया, इसको सांप, और वो सांप का उसने शरीर त्याग कर दिया और एक गंधर्व था, विद्याधर था, वो ऐसे हवा में, देखा था ना मूवीज में, हवा में ऐसे फ्लोर कर रहा है, फ्लोर कर रहा था वो। फिर उसने नमस्कार किया कृष्ण को, तो उसको पूछा कि तुमने ये क्यों स्वरूप लिया था। तो वो एक बार स्वर्ग में जा रहा था, तो स्वर्ग में ये बहुत सुंदर था विद्याधर, है ना, तो स्वर्ग में उसने देखा अंगिरा मुनि को, अंगिरा मुनि को देखा। तो अंगिरा मुनि थोड़ा टेढ़ा चलते हैं, है ना, और इतने सुंदर नहीं दिखने में, तो इन्होंने देखा, उन्होंने क्या कैसे दिखता है व्यक्ति, ऐसे करके हंसने लग गया कौन, विद्याधर। तो जितना ज्यादा हंस रहे थे अंगिरा मुनि गुस्सा हो रहे थे, उन्होंने बोला कि तुम एकदम तमोगुण में हो, इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम सांप बन जाओ, इसलिए वो सांप बन गए। तो फिर वो उनसे माफी मांगी और चले गए स्वर्ग में, कौन, विद्याधर। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो व्रजवासी थे पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित थे, निर्भर थे। गोवर्धन लीला के समय भी ऐसी हुआ कि जब कृष्ण ने बोला कि तुम इंद्र की पूजा मत करो, तुम क्या करो, इस गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन हमें बहुत कुछ देता है, है ना। तो जब इंद्र ने बारिश करना चालू कर दिया जोरों शोरों की बारिश, तो सब लोग डर गए और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सबने बोला कृष्ण तुम्हारी आइडिया थी, तुम ही संभालोगे, तुमको ही संभालना है, और कृष्ण ने उनको मदद किया। तो हर चीज में वो कृष्ण के ऊपर आश्रित थे। जब अगासुर आया था और उसने अपना समूह फैला लिया था, तो एक बहुत बड़ा गुफा दिख रही थी, सारे गोपों को लगा कि अरे गुफा है कि सांप है, समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ बच्चे एकदम भाग गए उसको, कि अरे कोई टेंशन नहीं ले रहे, हम अंदर चले जाएंगे, जो होगा कृष्ण देखेंगे, ऐसे। तो पूरी तरह से आश्रित है, है ना। अब जैसे हमारे जीवन में अगर कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, पेरेंट्स का लेते हैं, बीवी का लेते हैं, बच्चों का लेते हैं, योगक्षेम वहां में का लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस का लेते हैं, है ना। हम कृष्ण को तो भूल ही जाते हैं, है ना, सब कुछ भूल जाते हैं। तो जैसे कि ड्रामा में दिखा रहे थे, जो कितने लोगों ने बालाजी ड्रामा देखा, क्या बात कर, बाकी सब लोगों का जिंदगी वेस्ट है, बहुत अच्छा ड्रामा है। अब तो टाइम गया, अब 7 बजे का अभी भी जा सकते हैं आप लोग, अभी भी 7 बजे तक पहुंचेंगे तो जा सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है। लगभग 150 फीट का स्टेज है, सॉरी 70 फुट का हाइट है और 150 फीट का क्या बोलते विड्थ है, और बहुत अच्छा। अब तो आपने देखा है तो क्या बोलना है। एनीवेज, तो क्या बता रहा था, हाँ, उसमें ऐसा होता है कि 1700 की सदी में हैदर अली नामक एक मुस्लिम ये था, राजा था, तो वो तिरुपति तिरुमला के ऊपर धावा बोल देता है और उसको तिरुमला के ऊपर चढ़ाई करना है, तिरुमला को, क्योंकि मुस्लिम के राज मुस्लिम जब थे तो सारे मंदिरों को उध्वस्त कर रहे थे, वही उन्होंने यहाँ पे भी किया बाबरी मस्जिद। तो क्या हुआ कि आप सब लोग डर गए वहां पे, चाहे जो पुजारी थे जो भी थे वहां पे, वैसे कोई सैनिक वैनिक नहीं थे, सब लोग डर के बोल रहे थे क्या करना है क्या करना है। उतने में किसी ने बोला कि आप क्या करो, आप वेंकट रमणा गोविंद को पुकारो, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और सब लोग पुकारने लगे वेंकट रमणा गोविंदा, बोलो वेंकट रमणा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, बोलने लगे, कंटिन्यू चालू किया। तो फिर क्या हुआ, जब हैदर अली ऊपर आया, मतलब ऊपर तक नीचे तक आया था, तो एक बच्चा आया और बच्चे ने बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो हैदर अली बोला कि हमको यहाँ पे धावा बोलना है। बोला कि तुम मूर्ख हो, यहाँ पे तुम धावा बोल ही सकते, क्योंकि ये क्षेत्र किसका है, वराह क्षेत्र है, तो वराह कौन होता है,
सुकर, सुकर ना, सुकर मतलब पिग है ना, तो उनका क्षेत्र है। तो आप लोग जो मुस्लिम होते हैं वो वराह को टच नहीं करते, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ आप लोग ऐसे बोलते हो। तो फिर हैदर बोलता है कि हमको बेवकूफ मत बना बच्चे, हम चढ़ाई करेंगे। तो फिर वो हंसता है बच्चा और गायब हो जाता है। और वहां से उस पर्वत से कई सारे सुकर निकलते हैं, कई सारे पिग्स निकलते हैं और उन सारे सैनिकों को हरा देते हैं और फिर भाग जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पुजारी लोग हैं उनका वो किसके ऊपर आश्रित है, कृष्ण के ऊपर आश्रित, पूरी तरह आश्रित है। वो सोचते भी नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या परफेक्शन का स्टेज है, यहां तक हमें पहुंचना है कि पूरी तरह से आश्रित होना है। कि हमारे जीवन में जब भी कठिनाई है तो वजह बस यही कर ले, जब भी कोई कठिनाई है तो कृष्ण को याद कर है। तो वैसे हम नहीं करते, हम क्या करते हैं सबको ट्राई कर लेते पहले। जैसे द्रौपदी ने ट्राई किया, पहले भीष्म को बताया, फिर धृतराष्ट्र को बताया, वो भी नहीं माने, फिर अपने पतियों को बताया कि मुझे बचाओ, वो भी नहीं बचा पाए। तो फाइनली उसको, फिर उसने क्या किया, खुद से साड़ी को रोकने का प्रयत्न किया। जब समझ गए कि अभी कुछ नहीं होने वाला, तो कृष्ण हाथ ऊपर कर दिए और बोले कि कृष्ण तुम्हें बताओ मुझे ऐसे। तो यही एक्चुअली परफेक्शन है अपने जीवन का, कि हम कृष्ण को याद करें। जैसे उत्तरा के गर्भ में कौन था, उत्तरा किसकी पत्नी थी। तो जब कृष्ण भगवान द्वारका जाने वाले थे हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ से, तब अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 1 उत्तरा के गर्भ में और 5 पांडवों की तरफ। तो उत्तरा को समझ में आ गया कि मेरे गर्भ में कुछ तो आ रहा है, कुछ तो डेंजर आ रहा है, तो इसलिए कृष्ण बाहर खड़े थे, तो बाहर भागते भागते आ गए, पाही माम ऐसे करते करते। तो वो कहीं पांडवों के पास गई ही नहीं, वो पांडव उसके ससुर थे ना, 5 पांडव, पर उनके पास गई नहीं, इतने इतने शक्तिशाली फिर भी नहीं गई। तो कहां गई, डायरेक्ट कृष्ण के पास, और बोले कि मेरे बच्चों को बचाओ है ना। तो ये है सरेंडर, ये है डिपेंडेंस, ये है आश्रित होना कृष्ण के ऊपर, पूरी तरह से आश्रित होना, ये परफेक्शन है जीवन का हमारा। जैसे एक यूएस का एक बहुत बड़ा बिलियनर था, मतलब अरबपति, बिलियनर मतलब अरबपति, तो बहुत पैसा था उसके, बहुत सारे बड़े बड़े ऑयल मिल्स थे। तो क्या हुआ कि वो बूढ़ा हो गया था, 75 साल का हो गया था, अब उसको मृत्युशय्या पे था, तो उसको मरना नहीं था, वो बोल रहा था कि मुझे और बिजनेस करना है। तो उसने क्या कि डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टरों को बोला कि मुझे जिंदा रखने का कुछ प्रयत्न करो, मैं आपको $20 मिलियन देता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न किया, अलग अलग स्टडी किया, तो उनको ये समझ में आ गया कि व्यक्ति जो है बूढ़ा बनता कैसे, जैसे स्किन ये कैसे ये होती है, या शरीर के अलग अलग अवयव कैसे काम करना बंद कर देते हैं। उन्होंने 3-4 साल में उसका स्टडी किया और पता चला कि कैसे होता है एजिंग प्रोसेस, बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुढ़ापे का प्रोसेस। तो बुढ़ापा कैसे आता है ये समझ में आ गया, पर उसको रिवर्स कैसे करने वो नहीं पता था। उन्होंने जाके बोला कि भाई देखो, $20 मिलियन हमने खर्चा कर दिया, बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यंग कैसे बनाना है, आपको योग कैसे बनाना है, वो नहीं पता। तो ऐसे करते करते वो व्यक्ति मर गया। इसका मतलब वो किसके ऊपर आश्रित था, अपने पैसों के ऊपर। उसको लग रहा था कि कुछ तो करके मुझे ये नवयौवन दे देंगे और मैं वापस बिजनेस कर पाऊंगा, पर नहीं हो पाया ऐसे। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, एक पिता था और उसका एक बच्चा था, और जो बच्चा था बहुत नटखट था, वो पढ़ाई नहीं करता था, स्कूल नहीं जाता था, तो और पिता के पास इतना समय नहीं था, दिन में क्या कर सकते हैं। तो उसने क्या कि एक दासी को रखा और उसको बोला इसके ऊपर ध्यान दो, उसको हमेशा पढ़ाई में लगे रखो। तो जब पिता ऑफिस गया तो बच्चे ने बोला कि उस दासी को ये लो पैसे और मुझे चॉकलेट ला के दो। दासी ने क्या किया, एक चाटा दे दिया उसको, मतलब तुम्हारे पिता ने मुझे चॉकलेट लाने के लिए रखा, तुमको पढ़ाई करने के लिए रखा है, पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के। तो यही हमारे साथ हो रहा है, कृष्ण भगवान ने माया देवी को रखा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको एंजॉय करने का प्रयत्न। और वहां क्या करते, त्रिशूल से हमको क्या बोलते उसको, त्रिशूल से नोचते रहती है, तो उसने को क्या बोलते हैं हिंदी में, घोपना बोलते हैं क्या,
हाँ त्रिशूल से टोचना, हम लोग मराठी में टोचना बोलते हैं, टोचन देती है, कुरेदना, कुरेदना नहीं, ऐसे ऐसे कर रोकना ही बोलते हैं। आप लोग समझ गए ना? ठीक है, तो वैसे भी ये सब मुझे याद दे रही है। तो माया देवी का काम ही, वो हमें बहुत परेशान करते रहते त्रिशूल से, क्योंकि उसको रखा ही कृष्ण भगवान ने उसके लिए। अगर माया देवी नहीं रहती तो हम लोग खुश रहते नहीं? फिर भी नहीं खुश रहते। तो भगवान की क्या बोलते हैं, थैंक यू बोला जाएगी माया जी का रखा है, ताकि हम जल्दी से जल्दी कृष्ण को याद कर पाए, नहीं तो हम कृष्ण भगवान को कभी याद ही नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसे तो लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी को या माया को, माया को एंजॉय करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें फंस जाते हैं, है ना? तो इसलिए भौतिक जो आसक्ति है या भौतिक आश्रितता है, मतलब डिपेंडेंस है, सॉरी भौतिक जो इंडिपेंडेंस है ना, भौतिक इंडिपेंडेंस मतलब क्या, मुझे अलग रहना है, ये झूठा इंडिपेंडेंस है। एक्चुअल इंडिपेंडेंस क्या है, कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना, ये इंडिपेंडेंस है। जैसे मुझे बात बताइए, जब अभी ब्रिटिशर्स से हमको इंडिपेंडेंस मिला, कुछ खास फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा पॉलिटिक्स बढ़ रहा है, रोज 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 पार्टियां बढ़ रही, कम नहीं हो रही। एक पार्टी के दो, दो के चार, चार के आठ, महाराष्ट्र में अभी 10-12 पार्टीज हो गई। लोग ही कंफ्यूज हो गए, किसको देना, किसको है? चाचा को देना है कि आप लोग समझ गए? तो लोग ही कंफ्यूज हो गए, करना क्या है अभी, है ना? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, राजा का राज्य होना चाहिए, अनार्की होना चाहिए। क्योंकि क्या होता, लोगों को पता नहीं किसको चुनना है, गुंडों को चुन लेते हो। तो ये प्रकार का जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता, ये सही स्वतंत्रता नहीं है। और उसमें जो माया है, 6 अलग अलग प्रकार के छड़ी बोलते हैं, छड़ी विप, इंग्लिश में विप बोलते हैं, छड़ी मारती रहती है। सब लोग समझ गए छड़ी क्या होती है, यशोदा माई जो हाथ में पकड़ती है वो इस छड़ी। तो 6 अलग अलग प्रकार की छड़ियों से हमको मारती है। कौन से ये? एक है क्षुत, क्षुत मतलब भूख लगना। कितनों को भूख लगती है रोज हाथों पर? सबको लगती है, अगर नहीं देखते तो गड़बड़ है। सबको भूख लगती है, कम से कम 3 बार तो लगती है, और कुछ कुछ होते तो वो कन्वेयर बेल्ट जैसा चालू होता है। और इतना खाने के बाद भी पतले होते हो, पता नहीं कहाँ जाता है। है ना? तो उसको बोलते क्षुत, मतलब जब पेट में भूख लगती है तो, है ना, तो कुछ नहीं सूझता, तो उसको बोलते क्षुत। और दूसरा है पिपास, पिपास मतलब क्या, प्यास, करेक्ट, थर्स्ट, प्यास लगती है, एक सर्टन पानी ना पियो तो प्यास लगती है। और ये पानी और भूख ना पांडव निर्जला के दिन बहुत प्रोमिनेंटली समझ में आता है, अरे हाँ यार मैं रोज पानी पीता हूँ, प्रसाद भी लेता हूँ, इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा लगता है उस दिन। तो दिन भर 3 बार मिलता है हमको तो हम खतरे रहते हैं, तो जब पांडव नजर होते तो लगता है कि पता नहीं कुछ तो मिसिंग है आज, ऐसे। तो पिपास। तीसरा है मोह, मोह मतलब इल्यूजन, मतलब ऐसे रस्सी को सांप समझ लेना या हमको खुद को शरीर समझ लेना, ये मोह है। चौथा है शोक, शोक मतलब शौक नहीं, शोक, मॉर्निंग, दुख, लेमेंटेशन, दुख करते हैं अगर रोज रोते ही रहते हैं, रोते हैं ना कि नहीं, कि मैं ही रोता था, सब लोग रोते रहते, अरे यार आज मैं 4 बजे उठ ही नहीं पाए, या कभी कभी रोते कि आज नींद ही नहीं हुई, 8 घंटा सोए फिर भी नींद नहीं हुई। कभी कभी होता है ना, या फिर प्रसाद में को थोड़ा सा सब्जी में नमक पड़ गया है, क्या है ये नमक, फिर भी कम हो तो ठीक है, ज्यादा हो तो गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग हमेशा शोक करते रहते। और जो जीव है, एक ही व्यक्ति ऐसा है, जो स्पीसीज है, वो शोक करता है। प्राणी भी शोक नहीं करते, भगवान भी करते नहीं। भगवान की कोई भी लीला में अपनी देखते कि भगवान शोक कर रहे, हम लोग ही शोक करते रहते। अरे 20 साल पहले मैंने बहुत बड़ा गलती की, हर एक का साल अलग है। जो साधुशुदा है वो समझ गए। तो शोक करते रहते हैं, क्यों किया मैं? वैसे रोज हम लोग कुछ ना कुछ तो शोक करते। फिर है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, तो भी परेशान करता है। और लास्ट क्या है, मृत्यु। ये 6 जो है, ये 6 छड़ियों से हमें
माया देवी मारती रहती है, तो उसके कारण हमें दुख होता है। ऐसे जैसे जरा में हम देखते हैं या कोई रोग हो गया है तो लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर लोग इतना एडवांसमेंट कर दिया है कि हर रोग का इलाज है। हर रोग का वो कोई इलाज नहीं है। अगर आप एक रोग का इलाज निकालेंगे तो ऐसे 10 और रोग निकलते हैं। ये लगभग ऐसे बोलते हैं कि 50,000 रोग हैं पर हमारे पास सिर्फ 1,000 रोगों का औषधि है, बाकी जो 49 है उसका है औषधि है ही नहीं। कितने सारे रोग है, कैंसर का औषधि नहीं है, ऐसे कितने सारे कुछ नहीं कर सकते ऐसे। जैसे भूख के बारे में चर्चा कर रहे थे तो क्षुत जो है भूख के लिए सब सब कुछ चल रहा है। अगर हमें भूख ही नहीं होती तो हमें ऑफिस जाना नहीं पड़ता है ना, ऑफिस नहीं जाना पड़ता, माताओं को कुकिंग नहीं करना पड़ता, सब मुस्कुरा रहे कितना अच्छा होता, कुकिंग ना करना पड़ता, सब कुछ क्षुत के कारण चल रहा है। भूख है इसलिए सब चल रहा है, नहीं तो क्या, इसलिए रेस्टोरेंट क्यों चल रहे हैं कहीं भी पुणे में कोई भी कोने में रेस्टोरेंट, ब्रिज के नीचे भी निकालो तो चलेगा क्योंकि लोग इतने भुक्कड़ हैं। आप देखो संडे इवनिंग की कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ आप, जमी महाराज रोड, मैं ही जाता हूँ बट मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी ऐसे ही होगा, 15 साल पहले ऐसे था अभी भी ऐसे होगा, लोग वेट करते बाहर खाने के लिए, आधा आधा घंटा एक एक घंटा वेट करते हैं और फिर अंदर जाके सबके सामने खाते हैं, है ना। लोग अपनी प्लेट में कम वो दूसरे के प्लेट में ज्यादा देते हैं, उसने क्या लिया डोसा लेके, अरे मैंने उत्तपा क्यों लिया है, मैंने चाय ली उसने तो जूस लिया है, ऐसा उसके प्लेट में देखते हैं। तो ये सब कुछ क्षुत के कारण चल रहा है ना, है जीवा कितनी 2-4 सेंटीमीटर की है, सब कुछ उसके ऊपर भरोसा चल रहा है। मैं बता रहा था एक उदाहरण, इटली में ऐसे लोग हैं तो खाते हैं पार्टी में और घर जाके उल्टी करते, बोला क्यों भाई ऐसे क्यों, बोला कि खाना है बट मोटा नहीं होना हमको, ऐसा करेंगे कि वो जीवा है तो जीवा को तो खाना खाना चाहिए है ना, पर मोटा भी नहीं होना है तो कैसे करोगे, तो इसलिए उन्होंने टेक्निक निकाला है कि खाते रहो फिर घर जाके उल्टी करो, तो फिर नहीं मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोग करोगे ऐसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये हो गया क्षुत है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो सही स्वातंत्र है वो किसके ऊपर है, कृष्ण के ऊपर, पूरा निर्भीक रहना आश्रित रहना, यही स्वातंत्र है। ऐसे पांडव थे पूरी तरह आश्रित थे। अब युधिष्ठिर महाराज पांडव देखेंगे तो वो टैलेंटेड भी थे और उनका कैरेक्टर भी अच्छा था, खुद को बचा सकते थे पर पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित थे, कृष्ण के ऊपर है ना। जैसे हम देखते कि जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे तो उर्वशी ने उनको देख लिया और उर्वशी को लगा कि मेरी तरफ देख रहा है, मुझे लाइन दे रहा है, ऐसे बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो तो उसने जाके उसको अलग से लिया, बोला कि हम एंजॉय कर सकते हैं, और अर्जुन ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो आपको माँ की तरफ देख रहा था, तो एक बार मैंने माँ की तरफ देख लिया तो मैं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अर्जुन ने बोला कि ये तो सब भौतिक जगत का मतलब अर्थ पृथ्वी का ऊपर सब रूल्स है, यहाँ पे उसमें कोई रूल्स नहीं। बोला नहीं नहीं एक बार मैंने अगर मन में बोल दिया तो बोल दिया, तो उर्वशी ने उसको क्या किया, श्राप दे दिया। पर अर्जुन हिले नहीं, बोले नहीं कि नहीं नहीं ठीक है मैं कुछ करता हूँ नहीं। वैसे ही उत्तम उत्तरा जो थी उसका हाथ भी विराट के महाराज ने उनको दिया था, बोला कि आप अर्जुन मेरी लड़की आपको देता हूँ। तो अर्जुन ने बोला नहीं नहीं जब मैं बृहन्नला था तो मैंने उसको बेटी की तरह देखा है, उसको सिखाया डांस में, तो मैं उसको उसके साथ शादी नहीं कर सकता, तो चाहिए तो मेरे बेटे के साथ किया बट मैं नहीं कर सकता, ये कैरेक्टर है ना। एक बार क्या हुआ कि पांडवों के बीच में एक्चुअली तय हुआ था कि अगर कोई एक पति द्रौपदी के साथ है तो बाकी किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वहां पे जाके। तो एक बार क्या हुआ कि सारे पांडव अलग अलग जगह थे और युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी अपने शयन कक्ष में थे और एक ब्राह्मण आ गया पैलेस के ऊपर, पैलेस के सामने, और उसने बोला कि मेरे गायों को कोई चोर चुरा के लेके जा रहा है। तो अर्जुन को अपने बाण वाण लेके जाने थे तो अर्जुन भागे अंदर और उनको भागने के लिए वो युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी का पैलेस को क्रॉस करना पड़ा क्योंकि उनको अस्त्र वहां पे थे,
अब ये मत पूछे कि वहां पे क्यों रखे थे, बाहर क्यों रखे थे, ये सब उनको पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं। क्रॉस करना पड़ा उनको, मतलब उनका जो प्राइवेसी है भंग हो गया है ना। तो भी फिर वस्त्र वस्त्र लेके उस ब्राह्मण का गाय वाय लेके आ जाते हैं, तो चोर को पकड़ के बंदी करा देते हैं उसको, और आते हैं सब वस्त्र वस्त्र रखते हैं, और फिर अपने रूम में जाके कपड़े वपड़े चेंज के करके वो बाहर निकलते हैं। कहाँ जा रहे थे? तो हमने डिसाइड किया था ना कि अगर कोई प्राइवेसी भंग करेगा तो एक साल जंगल जाएगा, तो वो जंगल जा रहा हूँ। जैसे महाराज बोलते हैं कि तुमने जानबूझ के थोड़ी किया, तुमने इसलिए किया था कि उस ब्राह्मण के गाय बचा पाओ। तो अर्जुन क्या बोले, नहीं हमारा रूल मतलब रूल है, मैं बिल्कुल उससे हिलूंगा नहीं, और वो एक साल के लिए चलेगा, सब कुछ छोड़ के चलेगा। ये है कैरेक्टर। पहले तो इंडिया में, मतलब इंडिया में कलयुग में ऐसा होता ही नहीं। कलयुग में बड़ा भैया बोलता था तुमने मेरे प्राइवेसी भंगी क्यों किया, और छोटा वाला बोलता मैं जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। और अभी अभी इनका देखो कैरेक्टर कितना टॉप क्लास है। ऐसे तो हम भीष्म का उदाहरण देखते हैं कि भीष्म इतने शक्तिशाली थे पर वो कृष्ण के ऊपर आश्रित नहीं थे, मतलब वो दिखाने के लिए, लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए, ऐसे ऐसे तो पूरी तरह से आश्रित है वो, पर दुनिया को दिखाने के लिए। तो फिर वो हार गए। आपको अगर भीष्म का अंदाजा लगाने कितने शक्तिशाली थे, तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो जैसे मैथ्स बताओ ना श्रवण, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी, मतलब ए इज ग्रेटर देन डी। मुझे पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ गया, श्रवण को समझ में आ गया। ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो ए इससे बड़ा है, बी से बड़ा है। तो ये समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ, क्या उदाहरण बताओ। तो भीष्म कितना शक्ति चलता, ठीक। रावण जब सब जगह जाके युद्ध करके सब बटोर रहा था, तो एक जगह गया और एक जगह जाके उसने नदी में नहा रहा था, नहा के वो बाजू में बैठ के वो पूजा कर रहा था। जब पूजा कर रहा था क्या हो गया, बीच में ही पानी का ऐसा बाढ़ जैसा आ गया और उसका पूजा पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो उसने सैनिकों को बोला कि जाओ उधर देख के कौन है नालायक ये। गए लोग, देखा तो सामने थोड़ी डिस्टेंस के सामने हजार हाथों वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था कार्तवीर अर्जुन। उसने पूरे नदी को पकड़ लिया था, जैसे डैम जैसे पकड़ते ना, वो पानी ऐसा क्या हो गया, पानी डैम के कारण रुक गया और पीछे आ गया, उसके कारण रावण का पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो रावण गया उधर, बोला कि हे क्या कर रहे तू, मैं इधर पूजा कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो कर्तव्य राज ने बोला कि हे भाई ये मेरा क्षेत्र है, तू किधर आ गया इधर। तो दोनों को झगड़ा हो गया। झगड़ा मतलब क्या, रावण ने ललकारा, रावण ने ललकारा तो कर्तव्य राज ने दो हाथों से पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, जैसे छोटे चोर को डालते ना वैसे जेल में डाल दिया। दो तीन दिन तक जेल में था वो। फिर इसके जो दादाजी थे रावण के, वो आए और भीख मांगा उन्होंने कर्तव्य राज से, छोड़ दो भाई उसकी गलती हो गई, छोड़ दो। तो फिर छोड़ा, ठीक है। तो ये समझ में, मतलब कर्तव्य अर्जुन किससे बड़ा है, रावण। अब इस कर्तव्य अर्जुन को किसने मारा, परशुराम ने मारा। एक बार क्या हुआ, कितनों को चोरी पता है, कितनों को नहीं पता, कितनों को पता भी पता ही नहीं कि नहीं पता है। एक होता है कि पता है नहीं पता है, एक होता है कि पता है पता है, एक होता है कि पता ही नहीं कि पता नहीं है। चलो बता ही देता हूं मैं। जैसे एक फिलोसफी होती है, उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अननोन कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं उसको, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। मतलब जैसे किसी ने साइकिल ही नहीं देखी है ना, उसको पता ही नहीं कि साइकिल मतलब क्या होती है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मतलब उसको पता ही नहीं कि साइकिल क्या होती है, उसको आती भी नहीं ऐसे। और उसने साइकिल जब देखता है तो उसको पता है साइकिल तो है पर साइकिल चलाने नहीं आती, उसको बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मतलब पता है कि साइकिल है पर चलाने नहीं आती। फिर वो सीखता है, पर पहले जब सीखता है तो एकदम बहुत अलर्ट होता है, उसको लगता है कि सब लोग सामने ही आ रहे हैं। पहली बार जब साइकिल या गाड़ी सीखता है व्यक्ति, उसको लगता है कि सब लोग सामने आ रहे हैं, हट हट चलते सामने क्यों आ रहे हैं ऐसे। जैसे पहले मैं स्कूल में बच्चों को उदाहरण देता हूँ, ठीक है, हम लोग जब साइकिल सीखे तो पहले दिन नहीं सीखे, पहले दिन गिर गए है ना, सब लोग गिरते हैं, चिंता मत करो। फिर दूसरे दिन चार लोगों को गिराया
और फिर ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते एक हफ्ता दो हफ्ते के बाद सीख गए। तो सीखने के बाद जब उसको अपने तक पूरा प्रैक्टिस नहीं, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब वो आता है उसको पर बहुत कॉन्शियस होता है। साइकिल साइकिल करते करते बात नहीं कर सकता, है ना, ये फोन पे बात नहीं कर सकता, हाथ नहीं छोड़ सकता, है ना। कुछ कुछ माताएं मैंने देखी जब स्कूटर भी चलाते तो एक पैर नीचे होता है, देखा है आपने, उसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब उनको आता है पर उनको डर लगता है कि कहीं गाड़ी गिर जाए तो पैर मेरा पहले नीचे होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसको इतनी प्रैक्टिस होती है, इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकते करते हैं ना, कुछ लोग हाथ छोड़ कर स्कूटर भी चलाते हैं, और या जैसे कार चला रहे तो फोन पे बात करते करते गपशप मारते मारते चलाते, मतलब क्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब उसको आता है, उसको वो कॉन्शियस नहीं है, तो सामने भी कोई आएगा तो टेंशन नहीं है, ऐसे बोलते हैं। एनीवेज थोड़ा सा साइड टॉपिक था, जोहरी है क्या, जोहरी वाला जोहरी विंडो है, हाँ करेक्ट, कहाँ तक था ना, परशुराम, हाँ। तो क्या हुआ कि कर्तव्यवीर अर्जुन एक बार पूरी सेना लेके परशुराम के पापा के घर में आया था। परशुराम के पापा का नाम क्या है, जमदग्नि, जमदग्नि जमदग्नि ब्राह्मण थे, तो उनका आश्रम था, वो आए तो बहुत सारे सेना लेके आया, तो उसने बोला कि हमको आज रात कहीं पर रखना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपका खाने का बंदोबस्त करता हूँ, मतलब टेंशन में, मतलब हम लोग कुछ फल वल खा के रह जाएंगे, नहीं नहीं अरेंजमेंट करता हूँ, सब अरेंजमेंट करता हूँ, पूरा पंच पकवान का सब 10,000 लोगों के लिए अरेंजमेंट करता है। तो राजा सब लोग खुश हो जाते हैं, क्या तो महल में भी इतना अच्छा नहीं मिलता। तो फिर वो राजा पूछता कि इतना कैसे तुम कर पाए भाई, उन्हें लगा कि इतने 10,000 लोगों को कैसे कर पाएगा, दो तीन लोग मेरे पास काम दे दो गाय तो वो सब करती। राजा को एकदम ईर्ष्या हो गई, भाई मेरे पास नहीं इसके पास कैसे, बोलते कि मेरी गाय है, बोला नहीं ये तो मेरी गाय है, मुझे यज्ञ करने के लिए चाहिए, बाकी कुछ नहीं करता मैं, गाय का दूध घी करें चाहिए होती। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गाय को लेके खींच के लेके जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि परशुराम घर पे नहीं होता, तो फिर आता है, आते हैं परशुराम, आते हैं तो उसके पिता बोलते हैं ऐसे ऐसे हो गया, परशुराम जाते हैं और कर्तव्यवीर अर्जुन को मार के आते, गाय लेके आया था। तो जमदग्नि बोलते हैं ये गाय के तुमने राजा को क्यों मारा, बहुत बड़ी गलती की, तुम जाके यहाँ पे प्रायश्चित करो, सारे अलग अलग धाम हो के आ जाओ। तो परशुराम जाते हैं अलग अलग धाम, तब तक क्या होता है कि कर्तव्यवीर अर्जुन के बच्चे आते हैं और वो जमदग्नि को मारते, और फिर परशुराम आते हैं और फिर सारे क्षेत्रों का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी परशुराम ने किसको मारा, कर्तव्यवीर अर्जुन, तो कौन बड़ा है, परशुराम की कर्तव्य अर्जुन, और कर्तव्य अर्जुन किसको मारा था, रावण को मारा था। तो अभी देखिए भीष्म जो है उन्होंने मिलिट्री साइंस किससे सीखा, परशुराम से। तो जब अंबा ने बोला कि मुझे शादी करनी थी पर भीष्म ने शादी नहीं करनी थी, और मुझे विचित्र वीर से शादी नहीं करना था क्योंकि विचित्र है वो, ऐसा नहीं बोला तो ऑन द फ्लाई जो कर तो अंबा ने बोला कि मुझे शादी करनी थी शाल्य से, शाल्व से, और तुमने तुम क्यों लेके आए। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि उनको विचित्रवीर और क्या नाम था उसका, उसका दूसरा और एक भाई का नाम बोल गया, तो उनको उनके शादी करानी थी पर उनके ऊपर ताकत नहीं थी। तो भीष्म गए स्वयंवर में जहां अंबा अंबिका और अंबालिका की शादी हो रही थी, वो स्वयंवर हो रहा था, तो जैसे ही भीष्म गए बाकी सब लोग हट गए, हम रिटायर हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली थे भीष्म। तो लेके आ गए तो अम्मा ने बोला कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी विचित्र वीर से, शालो से करनी है, तो शालो के पास जाती है वो, शालो बोलता है कि तुमको भीष्म ने छू दिया तो हम शादी नहीं कर सकते। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि अम्बा जो है परशुराम के पास जाती है और बोलती है कि देखो भाई तुम्हारे तुम्हारे जो शिष्य है, शिष्य ने ऐसे मेरे साथ किया है, अब मेरी शादी भी नहीं हो रही और ये खुद भी नहीं कर रहा मेरे से शादी। भीष्म ने बोला कि मैं नहीं शादी कर सकता, मैं तो अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो परशुराम बोलते किसे शादी करो, भीष्म बोलते नहीं मैं नहीं कर सकता शादी, मैंने वाव लिया है शपथ ली है, तो फिर लड़ना पड़ेगा मेरे साथ। तो दोनों की लड़ाई हो गई परशुराम और भीष्म की, कौन जीतता है, कोई नहीं जीतता, टाई हो जाती मैच, सबसे टाई ब्रेकर चल रहा तो टाई हो जाती है। तो भीष्म जाके उनके पैर पड़ते हैं, बोले कि आप ही जाएंगे ऐसे बोलते। तो अभी मुझे बात बताइए, भीष्म ने परशुराम को रोका,
परशुराम ने किसको मारा? कार्तवीर्य ने, कार्तवीर्य ने किसको मारा? तो भीष्म किससे बड़े हुए? रावण से भी बड़े हुए, आप समझ सकते हैं, इतने शक्तिशाली थे वो। और परशुराम कौन है? कृष्ण भगवान खुद ही है ना, संहार अवतार है वो। तो कितने शक्तिशाली भीष्म है इसे हम समझ सकते हैं, है ना। और ऐसे शक्तिशाली भीष्म जब कौरवों के साइड गए तो हार गए, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर आश्रित नहीं थे। ये मुझे बताना था, कृष्ण के ऊपर आश्रित नहीं थे फिर भी वो, इसलिए वो हार गए, भले कितनी शक्तिशाली हो। इसीलिए भी कृष्ण भगवान ने भीष्म को बोला था कि तुम वहां से लड़ो, ऐसे ये उसका स्टोरी है ना। तो मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पंगुम लंगायते गिरिम, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम, तत्पातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम। मतलब क्या मुखम, मतलब क्या? जो बोल नहीं सकता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम, पंगुम मतलब लंगड़ा है जिसके पैर नहीं है। तो अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो मूक व्यक्ति भी एकदम अस्खलित बोल सकता है, और जो लंगड़ा है वो पर्वत चढ़ सकता है। इसका मतलब है कि जब भगवान का, भगवान के हम आश्रित हो, आप देखो ना पांडवों की तरफ कितना सैन्य था, 7 अक्षयोनि, और कौरव के पास 11 अक्षयोनि, 4 अक्षयोनि ज्यादा था। मतलब ऐसे हो गया कि इंडिया के पास 11 क्रिकेट प्लेयर थे, उनके पास 15 क्रिकेट प्लेयर, ऐसा हो गया, 4 एक्स्ट्रा है, फिर भी इंडिया जीत गई, ऐसे हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित थे, पूरे डिपेंडेंट थे। इसलिए बोलते हैं बुद्धिमानी, विपदा शांत दुःशश्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्सात पुनर्भव दर्शनम। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप ही चाहिए। इसके लिए अगर हमें पीड़ा भी हो कोई बात नहीं, मुझे बार बार विपदा आए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप हमारे साथ होने चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं कि देखो आप जा रहे हो, अभी आप जाओगे तो जो बाकी जो राजा जो बचे हैं, बचे कुचे हैं, वो भी हमारे ऊपर हमला करेंगे और हमारे पांडवों को परेशान करेंगे, इसलिए आप रुक जाइए, ऐसे बोलते। तो आगे जाके हम देखेंगे भागवतम में परीक्षित महाराज अपने अपने दादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऐसे मेरे अर्जुन दादा थे, इतनी शक्तिशाली थे। वो कली, कली को बोल रहे हैं पहले अध्याय में, पहले सॉरी स्कंद में देखें तो कली को बोल रहे हैं कि जो मेरे दादा थे अर्जुन, जब तक वो थे तब तक कली घुस नहीं पाया था, और तुम यहाँ पे घुसने का प्रयत्न करो, जिनका मैं पोता हूँ, मैं तुमको घुसने दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा, ऐसे बात कर रहे हैं। क्योंकि वो भी पूरी तरह से आश्रित है, कौन? परीक्षित महाराज। जैसे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला तो श्राप आराम से वो न्यूट्रलाइज कर सकते, इतनी शक्ति थी। तो वो क्या थे, वो क्या सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान की ही है का प्लान है, इच्छा उनकी है, तो हमें, मुझे इसमें घुसना नहीं चाहिए, पूरी तरह से आश्रित है ऐसे। एक्चुअली यहाँ पे उस चैप्टर में बोलते हैं परीक्षित महाराज कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये लोग ऐसे थे जैसे कि टिमिंगला फिश, मछली। टिमिंगला मतलब क्या? इतनी बड़ी मछली होती है कि वो वेल को, जैसे हम चना चबा देते ना ऐसे चबा देते, वेल कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। या शार्क कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। उसको ऐसे चने की तरह चबा देते, इतना बड़ा होता है, शास्त्रों में वर्णन उसका। अब आजकल नहीं होता टिमिंगला फिश, वो टिमिंगला है। और जो अर्जुन है या पांडव है, एकदम छोटे छोटे मछलियां, फिर भी कौन जीता? छोटी मछलियां। क्यों? क्योंकि कृष्ण का। इसलिए 18वें अध्याय के लास्ट श्लोक में आते, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ पुनर्धर यत्र श्रीविधि और भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम, कि जहां कृष्ण है जहां अर्जुन है वहां पे जय तो होनी ही वाली है, क्योंकि पांडव हमेशा कृष्ण के ऊपर आश्रित थे। तो ये मैं कितना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भक्ति करते हैं वही कृष्ण के ऊपर आश्रित होते हैं, जो भक्ति नहीं करते, ज्ञान की उपासना करते, जो मायावादी हैं, वो क्या करते हैं? खुद के बल के ऊपर सब कुछ करने का प्रयत्न, है ना। वो क्या करते हैं? सत कौन सा है, असत कौन सा है, सत कौन सा है, असत कौन सा है, इसका एनालिसिस करते हैं, और खुद के ज्ञान के तपोबल पे उनको मोक्ष बना होता है। तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे
मुनि जिसको बोलते हैं जिसका अलग ओपिनियन हो, ऐसे बोलते हैं मुनि जो होता है ना नारद मुनि सौबारी मुनि, जिसका अलग ओपिनियन होता है अलग विचार होता है उसको बोलते हैं मुनि। तो हर एक ज्ञानी का ओपिनियन विचार अलग होता है। अब जो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन कि मैंने ज्ञान की उपासना करनी चाहिए कि भगवान आपके रूप की उपासना करनी चाहिए, तो इसके लिए हम चर्चा कर दीजिए वाला सब, है ना। तो जो सिद्धांत होता है उसका उसका अलग अलग होता है हर एक का। जैसे एक नाम बोल दिया, एक मुनि थे मुझे हो सकता याद आए, वो बोलते थे कि कुछ भी करो, भीख मांगो, डाका डालो, लोगों से छीन लो, बट एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जियो, ऐसा बोलते थे, क्योंकि एथिस्ट था, एथिस्ट मुनि था वो ऐसे। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते, वो ज्ञान की उपासना करते हैं, बुक पढ़ते रहते हैं, पर अपने इसमें कुछ उतारते नहीं है ना। इतने भक्त लोग जो होते हैं उनके जीवन में कोई भी एम्बिग्यूटी को क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है उनके जीवन में, कोई कंफ्यूजन, भक्त कृष्ण भगवान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये पता होता है। ये लोग अभी भी क्या करते, ज्ञानी लोग एनालाइज करते थे कौन है कौन है कौन है ऐसे। जैसे कई लोग पूछते हैं ज्ञान लोग कैसे पता कृष्ण भगवान सुप्रीम है, तो भागवत में और कई उदाहरण में देखते हैं कि जब देवी देवताओं को प्रॉब्लम आता है तो किसके पास जाते हैं, वो डायरेक्टली नहीं आते, ब्रह्मा के पास आते हैं, और सब मिलके किसके पास जाते हैं, कृष्ण के पास। अगर कृष्ण सुप्रीम नहीं होते तो कृष्ण के पास जाते, तो देवी देवता खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करते ना, नहीं कर पा रहे सॉल्व। जब रावण आया था, जब हिरण्यकश्यप आया था, जब हिरण्याक्ष आए थे, सब लोग विष्णु के पास गए, क्यों, क्योंकि वही सुप्रीम है ऐसे। तो तब जाके वो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान का आश्रय लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने अगर अंधेरा कर दिया, पूरा पर्दा वर्दा बंद कर दिया है ना, तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे, है ना, तो लगेगा कि सब लोग सेम ही लगेगा क्योंकि दिख ही नहीं रहे, पर लाइट ऑन कर दिया एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या होगा, हम एक दूसरे को समझ पा रहे कि हाँ पुराना अलग है, कुणाल अलग है, अनिल प्रभु अलग है, हर एक अलग है ऐसे, है ना। इसका मतलब जब तक ज्ञान नहीं है, ओम अज्ञान विरंदस्य, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम विवेचन नहीं कर पाते कि कौन क्या है, और अज्ञान के कारण लोगों को लगता है कि सब सेम ही, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान, सब भगवान। अरे भाई, अगर दांत का दर्द ठीक नहीं हो तो भगवान कहाँ से, है ना, रोज सुबह 4 बजे उठा नहीं जाता है, भगवान कहाँ से, है ना, हमारी कितने प्रॉब्लम है, भगवान कैसे बन सकते हैं, बन ही नहीं सकते, है ना ऐसे। तो जैसे शास्त्र में उदाहरण है कि जो उल्लू होते हैं, उल्लू हिंदी बोलते ना, उल्लू का पट्टा बोलते हैं, तो उल्लू जो होता है वो कभी भी सूर्योदय देखता ही नहीं, क्यों, तो दिन में देखता ही नहीं है ना, तो उसने कभी भी सूर्य देखा नहीं होता, तो एक दूसरे उल्लू के साथ बात कर रहा है, बोला कि सूर्य ऐसा कुछ होता ही नहीं, हमें कहां दिखा, अगर होता तो हमें दिखता ना, है ना, तुम्हें दिखा क्या, उल्लू को पूछ रहा है। दूसरा उल्लू तो अरे है तो कहां देखा, तुमने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, सूर्य होता ही नहीं है ना, इसलिए दोनों को बोलते उल्लू का पट्टा। मुझे अब तक पता ही चला उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, उल्लू का बेटा बोलते हैं, पट्टा मतलब बेटा, किसी को देने बोला तो उल्लू का पट्टा है, इसको उल्लू का बेटा है, मतलब यूजलेस है, सही नाम दिया। तो वैसे ही ज्ञानी लोग क्या होता है ना, ज्ञानी लोग बोलते हैं हमने कहां कृष्ण को देखा, किसने देखा, तुम बताओ, तुमने देखा, तुम देखा, तुमने देखा, तो बोलते नहीं देखा, सही बोल रहे, मैं भी उल्लू, तू भी उल्लू, ऐसे। क्योंकि ज्ञानियों का क्या ज्ञान होता है ना, जैसे वो फ्रॉक को क्या बोलते हैं, मेंढक, जो मेंढक होता है ना, एक तालाब में एक मेंढक होता है, क्या होता है कि उसके घर पे एक बार गेस्ट आता है, समंदर से एक मेंढक आता है, तो बोलते हैं कि कहां से आया, अरेबियन समुद्र से आया, तो अरेबियन समुद्र से आया, कितना बड़े बड़ा पानी है, तो बहुत बहुत बड़ा पानी है, तो जो तालाब का मेंढक है बोलते हैं कि कितना बड़ा, इससे डबल है क्या, मेरा जो तालाब इससे डबल है, डबल क्या, बहुत ज्यादा है, 10 गुना होगा, अरे नहीं उससे बहुत ज्यादा है, 100 गुना होगा, तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये जो समंदर है कितना बड़ा है ना, उसको समझ में नहीं आता है,
क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। वैसे ज्ञानी लोगों को लगता है कि कृष्ण भगवान कौन है, क्या करें, ऐसा लगता है, वो कभी समझ नहीं पाते ऐसे। तो कई कई लोगों को लगता है कि नहीं, वो जब सब स्टोरी वरी है ना, ये सब काल्पनिक चीजें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलोगोरिकल, काल्पनिक है सब कुछ। अब कुछ कुछ स्टोरी है काल्पनिक और बताती भी है, जैसे पुरंजन का व्याख्यान आता है, पुरंजन व्याख्यान बोलते हैं उसको, वो काल्पनिक है। नारद मुनि किसको बोल रहे हैं, प्राचीनी भरी को बोल रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे राजा था जिसका नाम पुरंजन था, ऐसे बहुत बड़ी कथा है। भागवत हम पढ़ते पढ़ते उधर से जाएंगे तो छठे आते हैं, छठे स्कंद में नहीं, बहुत बड़ा है, कल सुबह हो जाएगी। बताया है ऑलरेडी, बताया। तो पुरंजन व्याख्यान होता है उसमें, तो वो एलोगोरिकल होता है, मतलब वो काल्पनिक है, बट बाकी सब जो कथाएं हैं भागवत में एलोगोरिकल नहीं है, कथाएं सब पुराने में आती है ऐसे। तो भक्त को जो श्रद्धा होती है उसकी श्रद्धा रोज बढ़ती है, जैसे पांडवों की श्रद्धा कभी कम नहीं हुई, पांडवों को इतने सारे कष्ट हुए पर उन्होंने कभी उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई, कभी नहीं बोले क्या कृष्ण हम तुम्हारा नाम भजते रहते हैं, तुमने जंगल भेज दिया, हमारी बीवी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया, हमारा राज्य छीन लिया, हमको इतने दुख दे रहे, भीम को कंटिन्यूस खाने की आदत है, उसको कंड मुद खाने पड़ रहे हैं, कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार ही पूछा था कि मैंने धर्म का साथ निभाया फिर भी मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है, और दुर्योधन ने धर्म का साथ नहीं निभाया पर उसको राज्य छीन मिल रहा है, पर उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। तो ये भक्त का एक लक्षण है कि उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है ऐसे। तो हम दो तीन उदाहरण देखेंगे जहां पे हम देखते हैं कि ज्ञानी के कंपैरिजन में है ना भक्त कैसे श्रेष्ठ होता है। आप सबको अम्बरीश महाराज और दुर्वासा की कथा बताएं, तो अम्बरीश महाराज जो तो भक्त थे कृष्ण भगवान के, और दुर्वासा मुनि क्या है, मुनि है, ज्ञानी है। तो दुर्वासा मुनि ने पानी में जाके देखा कि अम्बरीश ने फास्ट ब्रेक किया है, अपना उपवास ब्रेक किया है, तो वो गुस्से से आए और उन्होंने एक राक्षस को पैदा किया अपने बालों से और उसको मारने का प्रयत्न किया, पर अम्बरीश महाराज बिल्कुल टक से मत हिले नहीं, है ना, और वही राक्षस को किसने मार दिया, सुदर्शन चक्र ने, और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागा, और दुर्वासा मुनि सब जगह पहुंचे, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, शिवजी के पास गए, विष्णु के पास गए, सबने बोला कि नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुमको जाके किसकी किससे माँ की मांगनी पड़ी, अम्बरीश महाराज से, और अम्बरीश महाराज के पास गए दुर्वासा मुनि वापस सब होने के बाद, और जब माफी मांग रहे थे तो दुर्वासा अम्बरीश महाराज ने क्या बोला, अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो, मेरे कारण आपको तकलीफ हुई, एक साल तक आप घूमते रहे, मुझे भी खाने नहीं है, खुद भी खाए रही एक साल तक वैसे ही खड़े थे, अंदर नहीं गए, खाए नहीं, कुछ नहीं है ना, और फिर उन्होंने माफी मांगी तो बोले नहीं मेरे कारण आपको तकलीफ हुई है, तो इससे श्रेष्ठता किसकी साबित हुई, अम्बरीश महाराज की, भक्त की, ज्ञानी की नहीं। फिर और एक कथा देखते हैं, सौबारी मुनि और गरुड़ जी, सौबारी मुनि भी ज्ञानी थे, वो तपस्या कर रहे थे पानी के नीचे जाके, पर उसके पहले उन्होंने किसका अपमान किया था, गरुड़ जी का, कि गरुड़ जी मछली खाने आए थे एक तालाब में, अब मछली खाते क्योंकि उनका खाना है मछली, तो सौबारी मुनि का लगा कि अरे ये सारे तालाब की मछली मतलब मेरी है, तो उन्होंने गरुड़ जी बोला कि गरुड़ जी को बोला कि यहाँ पे तुमको मछली खाना अलाउड नहीं, जाओ यहाँ से, और उनको श्राप दे दे कि यहाँ पे आकर मछली खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो उसके कारण जब पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे सौबारी मुनि, दो मछलियों को उन्होंने देखा एंजॉय करते हुए, और उनको इच्छा हुई कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, बहुत सारा तो वो पानी के नीचे थे, क्यों, क्योंकि वो गरुड़ जी का उन्होंने अपमान किया। तो गरुड़ जी भक्त हैं और सौबारी मुनि कौन है, ज्ञानी है ऐसे। तो आप सोचेंगे प्रभु जी भक्ति तो ठीक है पर ज्ञान का उपासना करने में गड़बड़ क्या है, है ना, तो भगवान का रूप है उसको बिना देखे हम अगर ज्ञान का उपासना करेंगे तो गड़बड़ क्या है। एक्चुअली क्या है, ज्ञान का उपासना जो करता है वो बहुत ड्राई होता है, ड्राई को क्या बोलते हैं, सूखा, रुक्ष होता है, मतलब रोज रोज भगवत गीता पढ़ना है, जपा नहीं करना, आरती नहीं करनी है, प्रसाद भी नहीं खाना है, ये महत्वपूर्ण है, इस तरह वाला सुन के आपको लगा होगा हाँ प्रभु जी बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, कोई वैरायटी नहीं है, सिर्फ बुक पढ़ना है और डिस्कस करना है, ज्ञान के बारे में डिस्कस करना, तुम भी आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी भगवान हो मैं भी भगवान हूँ, ऐसे डिस्कस करना है, बहुत वृक्ष होता है। जैसे पूर्णानंद अष्टांग योग किस में गया था, कौन सा था,
विपश्यना, कितने लोग विपश्यना कर चुके हैं? आप भी गए थे तो वहां पे जाके एक ही जगह बैठना है, कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ आवाज नहीं करना, खाना नहीं पीना नहीं, श्वास भी नहीं लेना, ऐसे नहीं बोलते हैं, बट एक ही जगह बैठना है, कुछ नहीं करना है। और वो बोलेंगे क्या करो, जो नहीं है उसके ऊपर केंद्र, ऐसे बोलता है, श्वास के ऊपर ध्यान दो, ऐसे बोलते हैं। हमारे इधर किताबों के ऊपर ध्यान नहीं आता तो श्वास के ऊपर कहां से ध्यान दिया है ना, ऐसे बोलते, बहुत डिफिकल्ट होता है वो। एक दो दिन करने के बाद लगता है कि भाई हो गया, कुछ तो बहुत गड़बड़ा कर लिया, उससे हासिल कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन थोड़ा काबू में आया था, बस उतना ही। बट उससे कुछ अध्यात्म में आगे बढ़ती गाड़ी, बहुत धीमे से बढ़ती है। जैसे भक्ति में अगर 200 किलोमीटर पर आवर से बढ़ेगी तो ऐसे ज्ञान का मार्ग या अष्टांग योग का मार्ग 0.00001 किलोमीटर पर आवर ऐसे बढ़ेगी गाड़ी, है ना, बहुत धीमे बढ़ती है, क्योंकि बहुत रुक्ष है वो। आप रोज के रोजमर्रा के जीवन में नहीं कर सकते ऐसे बैठे, रामदेव बाबा बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत वृक्ष है। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद लेते हैं, डांस करते हैं, सुबह 4:30 बजे आएंगे तो अनिल प्रभु डांस करते हुए, अगर देखना है अनिल प्रभु डांस करते हुए तो मंगल आरती में आई तो अनिल प्रभु डांस करते, सब लोग डांस करते हैं उधर, है ना, 7:30 बजे भी आरती आएंगे आप लोग तो उधर बहुत अच्छे से सब लोग डांस करते हैं, है ना, तो सब आनंद है ना। और ज्ञान योग में क्या, सब वृक्ष है, क्या करो, नहाए धो और किताब लेके बैठ जाओ, बहुत मुश्किल है, बहुत रुक्ष है। भक्तों का क्या होता है कि रोज भक्ति करते करते धीरे धीरे कृष्ण के ऊपर प्रेम बढ़ रहा है ना। पर जो ज्ञानी होता है उसका कोई आश्रय नहीं है, जैसे ज्ञानी की अगर जीवन में कुछ कठिनाई है तो नहीं बोल सकता कृष्ण भगवान मुझे बचा लो, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बैठ रहता हूं, है ना। पर भगवान, अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई है तो हम बोल सकते कृष्ण भगवान, भगवान मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बचाओ बचाओ, भगवान कुछ तो करेंगे, है ना। पर ज्ञानी की लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ आश्रय ले ही नहीं रहा ना, एकदम से अगर बीच में मैं बोलूं कि भगवान मुझे बताओ, बोलो कौन है भाई तू, तब से तो बैठा था हवा देख रहा था, हाँ कर रहा था, अब मेरी याद आएगी तुमको, है ना, तो ये गड़बड़ है ज्ञानी की। और वो प्रॉब्लम क्या है ना कि वहां पे प्रगति कैसी हो रही समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में आएगी, हमको भक्ति में थोड़ा बहुत तो पता चलता है, अगर हमारे भौतिक कर्म कम हो रहे हैं, भागवत कथा सुनने में टेस्ट आ रहा है, जपा में टेस्ट आ रहा है, प्रसाद ज्यादा खा रहे हैं, प्रसाद ज्यादा खा रहे हैं सिर्फ प्रसाद खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब प्रगति हो रही है ना। और ज्ञान में क्या प्रगति हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल है। जैसे और एक मेरा ऑफिस का कलीग था, उससे एक बार मैं चर्चा कर रहा था, तो ये उनका है ना, क्या नाम उनका, कुछ और नाम दिया उन्होंने, हार्टफुलनेस ऐसा बोलते हैं, सहज योग को हार्टफुलनेस बोलते हैं, तो वो भी अष्टांग योग करते, सुबह उठ के ऐसे बैठते हैं वो, तो मैंने उसको पूछा तो सही में कुछ फर्क पड़ता है क्या तुझे, तो पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, शांत लगते हैं। तो मैंने बोला कि कितने दिन में करने के बाद शांत, 2-4 साल के बाद लगता है कि थोड़ा शांति आ गई। तो कितने टाइम करते हैं, दो घंटा करते हैं, प्रैक्टिस बहुत लगती है उसको। तो क्या है ना, गाड़ी बहुत धीमे जाती है, मतलब कासो गति बोलते ना मराठी में, धीरे 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 ऐसे जाती है। और अगर अपने पास फास्ट बचा रहे तो वो क्यों अपना रहा ना, उसमें जिसमें कठिनता है, 5वें श्लोक में बोले वाले भगवान, क्लेशो है दिक्त रक्षतेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुःखम, आगे का मुझे नहीं आता है क्लेशो ही, मतलब बहुत क्लेश है उसमें, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। जैसे राधानाथ महाराज एक बार नेपाल में कहीं, नेपाल में नहीं, बुद्ध का गया, गया में गए थे, गया बिहार में, तो वहां पे एक जापानीज टीचर था, उसको जैन बोलते, जैन, तो वो सिखा रही, बहुत पहले की बात है, तो वो ऐसे बैठने के लिए सिखाता था, और एक जगह बैठना है ऐसे और हिलना नहीं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं हिलना, ऐसे उंगली भी हिल के तो ऐसे लाठी से मारता था, ठक करके मारता था, ऐसे एकदम कंट्रोल बैठना है। हम लोग यहाँ पे हिलते इतना फिर भी इतना बैठ नहीं पाते, है ना, उधर जाके कैसे बैठ पाए, है ना। तो
वो सबको सिखाता, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करता था। मतलब आपको कोई भी स्त्री पर स्त्री का संग नहीं करना है और ऐसे ही बैठना है, ऐसे बहुत कुछ बोलता था। एक हफ्ते का पता लगे उसका ही आप उसके शिष्य के साथ चलो, क्योंकि करना बहुत मुश्किल है, इंद्र के ऊपर काबू करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ये कैसे बताया गया, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ये लोग रास्ते में एक करते हैं ना, क्या बोलते उसको, एक डोरी होती है और उस, क्या बोलते उसको, क्या नट, नट डोरी पे चलते, डोरी पे चलते हैं, तो उसमें टेक्निक क्या है, कैसे चल पाते हो, उनके हाथ में काठी होती है, लाठी होती है, उसकी बना नहीं चल पाते, उनसे हाथ काठी निकाल लो नहीं चल पाएगी। तो ज्ञान का मार्ग मतलब काठी को बिना काठी के वहां पे चलना है, दूरी बहुत मुश्किल है। और एक उदाहरण देता राधेश्याम प्रभु, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को अपने ससुराल जाना था, अकेले जा रहा था, पत्नी के साथ नहीं जा रहा था, तो ससुराल पहुंच गया गांव पर, उसको पता नहीं था घर जाना कैसे, गांव के बाहरी हिस्से में आया, तो गया तो वहां पे कोई शेतकरी, क्या बोलते किसान, किसान लोग दिखे, उसने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे जाना है, तो बोले कि देखो भाई हम तो यहाँ पे गाय चरा रहे हैं अभी, तो हम तो नहीं आ पाएंगे, बड़े काम कर रहे हैं, आपके ससुर जी का गाय है उसकी पूंछ को पकड़ के जाओ, वो तो अपने बराबर घर जाएगी, हाँ तो आपको कोई टेंशन नहीं, इधर उधर जाएगी नहीं, है ना, उस घर में जीपीएस नहीं चलता, आप लोगों को प्रभु जी जीपीएस क्यों नहीं लगाया उसने, जीपीएस नहीं चलता। तो फिर कोई ठीक है, तो गाय को पूंछ पकड़ी और उसको बोले कि जाओ, तो गाय निकल पड़ी। अब जब जनरली गाय चलती है तो उसको कोई पीछे लोड नहीं लगता है, अभी इसने पकड़ लिया था आराम, बोला कि अभी छोड़ूंगा तो मेरे ससुराल जा नहीं पाऊंगा और बीवी गुस्सा हो जाएगी, तो पकड़ के जा रहा था, तो गाय को लगा कुछ तो मेरे किसी ने पकड़ लिया है, और उसको जानती नहीं थी, अपना अगर ओनर तो जानती है, तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भागने लग गई, तो ये भी भागने लग गया उसके पीछे पीछे, और वो भाग रही थी तो ऐसे कोई रास्ते पे नहीं चलेगी, जंगल से जा रही थी जहां पे कांटे थे, पानी था, पत्थर थे, वो भाग रही है और ये भी भाग रहा है, तो वो भी कांटे से जा रहा है, असर कांटों से सारे कपड़े फट गए, फिर पत्थर पे गिर रहा था, फिर भी उसने छोटा नहीं पूछ नहीं छोड़ी, लेकिन जो जाना ही ससुराल आज कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करते 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 वो पहुंच गया, है ना, और शाम का समय था तो अंधेरा हो गया थोड़ा सा, तो पहुंच गई गाय, तो गाय ने बहुत बड़े आवाज दी, तो अंदर से दो चार नौकर आ गए, देखो तो इसके कपड़े फटे हैं और उसने गाय की पूंछ पकड़ी, उनको लगा ये तो चोर है, तो काठी से उसको मार दिया उसको, तो बोला रे भाई दामा तू इस घर का, क्यों मार रहे मुझे, फिर भी मार रहे उसको। तो ज्ञान की उपासना करके भगवान को पाना मतलब ऐसे है ना, इतने कष्ट है कि हम समझ नहीं पाएंगे, बहुत कष्ट होता है। ऐसे ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, पंथाष्ट कोटि शतवत्सर संभ्रगम्यो अपायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानं सो अप्य अस्ति यत् प्रपद्य समिचिन्त तत्वे गोविंदमादि पुरुषान्तमहं भजामि। जो ज्ञानी लोग होते हैं या जो कर्मी लोग होते हैं, वो कृष्ण को पाने के लिए अगर हजारों मील दूर है ना, हजारों मिलियन ईयर्स मतलब हजारों लक्ष साल भी चलते जाएंगे एक विमान में, तो भी कृष्ण तक पहुंच नहीं पाए, इसका मतलब कि बहुत दूर है कृष्ण के ऊपर पहुंचना, बहुत मुश्किल है, बता रहे ब्रह्मा खुद ही बोल रहे, ब्रह्म से मतलब ब्रह्मा खुद ही बोल रहे, जो ज्ञानी है जो भक्त नहीं है उसको कृष्ण तक पहुंचना बहुत 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 मुश्किल है। ऐसे पर कृष्ण भगवान जो है क्या करते हैं, कृष्ण भगवान के जो लाइट है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, जब भक्त आता है ना तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं अपने लाइट को विड्रॉ कर, क्योंकि उपनिषद में एक श्लोक आता है हिरण्य मानी ने पात्री ने बोलते हैं श्लोक को, तो आपका जो लाइट है उसको बंद कर दो, हमारे आंखें कट ऑन हो गई, बोलते तात्पर्य क्या है कि जो ज्ञान मार्ग है मतलब भक्ति मार्ग बहुत बहुत सुकर बहुत सिंपल है, और जो ज्ञान मार्ग होता है अष्टांग मार्ग होता है वो बहुत बहुत कठिन होता है, उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ठीक है, कोई प्रश्न किसी को, हाँ दो ही श्लोक है, मतलब दो ही श्लोक हो गए, हर दिन में एक ही श्लोक करेंगे, ठीक है। जो ज्ञान है
वो भक्ति के लिए, जैसे आपने ज्ञान पाया अभी भगवत गीता पढ़ी, ज्ञान पाया और हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो ज्ञान उपयुक्त है। बस मैं ज्ञान ले रहा हूँ बट भक्ति नहीं कर रहा, तो वो ज्ञान उपयुक्त है। जो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ज्ञान पाते हैं सिर्फ, और लोग तो ज्ञान लेने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। वो भी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम पूछेंगे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बोलते हो, ओम राम ह्रीम क्यों नहीं बोलते, वही तो बोल रहा हूँ नहीं ना, क्योंकि क्या है, अगर सिर्फ भगवान को विश्वास रखना है तो हमको फिलोसफी तत्व जानना पड़ेगा। अगर कोई पूछे हमको कि भाई क्यों ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हो, मृत्युंजय मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, ओम राम ह्रीम बोलो, तो क्या बोलेंगे हम, पता होना चाहिए। पांडवों को पूरा से पता थी, तत्वज्ञान क्लियर था, वो तो महारथी मतलब आचार्य हैं। अगर सिंपल है व्यक्ति को, उसको ज्ञान भी नहीं, तो ठीक है भक्ति करना बेटर है, बट भक्ति के साथ साथ ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नहीं तो भक्ति टिकेगी नहीं। हम रोज क्यों पढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि रोज अगर भगवदगीता पढ़ेंगे तो हमारा जो मन है वो शार्प रहता है, नहीं तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। हमारे जो मन है बुद्धि को उसको सतेज रखना है, अचला बुद्धि बोलते हैं, अचला बुद्धि मतलब सतर्क, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको रोक पाऊं, तब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कर पाए। जितना उसे की मिलना चाहिए, हर एक का क्षमता होता है, पर जितना उसे ज्ञान लेना ही चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को, यस विजेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब फिर वो महाभारत होने से पहले जहाँ पर द्रौपदी वस्त्रण हुआ था, तब पांडवों ने कृष्ण भगवान का आश्चर्य क्यों नहीं लिया था, जैसे दुर्योधन ने शकुनी मामा को पकड़ा था कि भाई आप हमारे बदले वो डाल देना कौड़िया, तो भी पांडव चाहते थे तो वो भी तो कृष्ण को ले सकते थे। करेक्ट, तो एक्चुअली कृष्ण भगवान ही बाद में द्रौपदी को उत्तर देते हैं कि मैं राह ही देख रहा था कि जब पांडव लोग मुझे पूछेंगे, मुझे बुलाएंगे, और उन्होंने बुलाया नहीं, तो उनकी गलती है। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसे गलती कर देते, उसका फिर नतीजा क्या होता है ये बता रहे हैं, है ना। आश्रित थे वो, बट कृष्ण भगवान को उन्होंने तब बुलाया नहीं ऐसे, बट द्रौपदी ने फाइनली बुला ली जब उसका वस्त्र होने वाला था ऐसे। तो इसलिए हर क्षण में कृष्ण भगवान को आश्रित जाना चाहिए, ये बता, ठीक है। और कोई प्रश्न, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न है, हरे कृष्णा Krishna, 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 Krishna
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राघो 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 हरे 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 कृष्णा Thank you.
संकीर्तन की प्रभुवाद की श्रीमद भगवदगीता की हरे कृष्ण हरे कृष्णा। फिर ऑनलाइन भक्तों हम बंद कर रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।